किसानों का आंदोलन आज लगातार छठे दिन भी जारी है। आज शाम 6 बजे चंडीगढ़ में किसानों और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक होगी। इससे पहले किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने अपील की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से खुद बात करें। इस मामले में निर्णय तो उन्हें ही करना है, अगर वो किसानों से बात करेंगे तो इस आंदोलन का हल निकल सकता है। देखिए, आज हमें छठा दिन हो गया शंभू बॉर्डर के ऊपर और लगभग आज वार्ता भी हो रही है, और जब सरकार से हमने वार्ता की है और जब सरकार ने कहा कि हमें समय दो, हम केंद्र के साथ और भी जो उनके बड़े मंत्री हैं उनसे बात करके कुछ ना कुछ इसका हल निकालेंगे। दूसरा, जिस तरह से आप जान रहे हैं 27 रुपए में हम गुजारा करते हैं पर डे, और लगातार किसान की हालत, खेत मजदूर की हालत बिगड़ रही है। जो हम लागत खर्चा लगा रहे हैं, जैसे बीज है, उर्वरक है, पेस्टिसाइड है, खेती मशीनरी है, लेबर्स है, इनके खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार हमारे ऊपर इनका बोझ पड़ रहा है। लेकिन जो हमें फसलों के दाम दिए जाते हैं और वो कभी भी हमें उचित नहीं मिले, जैसे हम MSP कहते हैं, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो कम से कम जो सहायता मूल्य हमें दिया जाता है, इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, हमें कभी भी उचित मूल्य नहीं दिया गया। और इसलिए देश की पार्लियामेंट में ये बोला गया कि 118 किसान खेत मजदूर रोज कर्ज के कारण खुदकुशी कर रहे हैं, और अगर भारत की दशा देखें तो लोग लगातार खेती छोड़ भी रहे हैं। पंजाब में, हरियाणा में वो बड़ी और हालात हैं। यहाँ के युवा खेती का धंधा जब बहुत कर्ज वाला हो गया तो ज्यादातर विदेशों के ऊपर जा रहे हैं, रोजगार की भी कमी में। तो जो किसान और खेत मजदूर की हालत है वो बहुत दयनीय है, तो उनके पास और कोई भी चारा नहीं होता है। और अगर आप पंजाब के कर्ज की बोले तो बोलते पर किसान हमारे ऊपर 3 लाख का कर्ज है, और लगभग कहते हैं पर देश के हर किसान के ऊपर 75-74 हजार का कर्ज है। उसके बाद जो केरला या अन्य राज्यों के ऊपर भी कर्ज अधिक है। तो ये इस हालत से हमें निकालने के लिए जो हमने पीसफुली ढंग से आंदोलन का रास्ता अपनाया था, तो आज वार्ता हो रही है और जो हमने केंद्र के समक्ष अपनी बात रखी है कि देखिए जो खेती संकट है इस समय बहुत बड़ा हो गया है, पूरा जो WTO की नीतियां हैं या जो कारपोरेट घराने जिस तरह से खेती में आ रहे हैं, तो वो उसको अगर ना रोका गया और हमें MSP खरीद की गारंटी का कानून ना बना के दिया गया तो पूरी तरह हम खेती से बाहर हो जाएंगे। और ये हमने यूरोप और अमेरिका, कनाडा में पहले देखा है, इसके बावजूद वहां की खेती जो है चल रही है। अब यूरोप का आंकड़ा देखो तो पर सेकंड एक किसान खेती छोड़ रहा है, तो हमारी हालत और भी है। और आज देखेंगे भी मंत्री महोदय किस मूड से आते हैं, हम तो अपनी ओर से पॉजिटिव मूड से जाएंगे और ये आशा करेंगे भी आज कोई ना कोई केंद्र का निर्णय हमें मिले और कुछ ना कुछ आगे गतिरोध बढ़े, और MSP खरीद की गारंटी का कानून और जैसे C2+50% ये बात और किसान मजदूर की कर्ज माफी, ये बड़ी मांगे हैं। और हम जब केंद्र कमेटी की बात कहता है तो हम बोलते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तो तब कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने तब MSP खरीद की गारंटी का कानून बनाने की बात स्वयं लिखी थी, कही थी, और वो जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी वो बहुत सी स्टडी के ऊपर निर्भर थी। उसके अलावा हमने कहा 2018 में
तत्कालीन खेतीबाड़ी मंत्री ने हमें लिख कर दिया है C2+50% के अनुसार आप फसलों के दाम हम निश्चित करेंगे। तो हमने जबलपुर हाई कोर्ट का फैसला भी उनके सामने रखा है कि किसी भी किसान की जो MSP से नीचे फसल नहीं बिकनी चाहिए, और देश दुनिया की और भी स्टडी के बारे में बोल रहे हैं। और इसलिए आज हम चाहेंगे और हम फिर अपील करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप जो मंत्रिमंडल यहाँ पहुँच रहा है स्वयं बात कीजिए। गृह मंत्री जी से बोलते हैं, निर्णय तो देश के प्रधानमंत्री जी ने करना है, अगर उन्होंने विल पावर दिखा दी तो मुझे लगता है समस्या का समाधान निकल जाएगा, अन्यथा हमें पीसफुल आंदोलन करने का हक देना चाहिए। तो आज की वार्ता में हम आशा करेंगे कि कोई ना कोई बात बड़ी जो निकल के हमारे सामने आए। सर, आप जब से बताया कि कितने किसान जो आपने आंकड़ा बताया है वो पूरे हिंदुस्तान का बताया या पंजाब का बताया? देखिए, 118 किसान हर रोज जो कर्ज के कारण खुदकुशियां कर रहे हैं, पूरे देश का आंकड़ा है ये। पंजाब की अलग तस्वीर है इसके ऊपर। तो आज आशा करेंगे भी इसका कोई ना कोई सुखद हल निकले। मीटिंग में पंजाब के सीएम और मंत्री भी भाग लेंगे इसमें? हाँ, पिछली बार तो थे पंजाब के मुख्यमंत्री, और इस बार भी लगता है वो भी स्वयं बैठेंगे। और देखिए, हम देश दुनिया के सभी चैनलों को बोलना चाहेंगे, जिस तरह से कुछ चैनल हमें खालिस्तानी बता रहे हैं ये अनुचित है। हम देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं, ये देश धर्म निरपेक्ष है और ये सभी का देश है। सबको अपनी बात करने का अधिकार है पीसफुली ढंग से। जिस तरह से हमारे ऊपर बल प्रयोग किया जा रहा है ये उचित नहीं है। मुझे नहीं लगता अगर सरकार सही ढंग से हमें आंदोलन करने का समय देती तो इतना पूरी दुनिया में ये सब दिखना था। जो सरकार कर रही है उससे देश का नाम पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जिस तरह से अपने किसान मजदूर के ऊपर अर्धसैनिक फोर्सों को ताकत जमाई कर रही है, मुझे लगता है अनुचित है। तो सभी को चाहिए, कुछ बोल रहे हैं ये प्रो लेफ्ट है, हम तो बोल रहे हैं प्रो लेफ्ट नहीं है। फंडिंग का भी इल्जाम लगाया जा रहा है। हाँ देखिए ना, अब जो फंडिंग है, बोलिए कौन से हैं आप, किन किन की बातों को। हम तो CPI CPIM जिन्होंने पश्चिमी बंगाल में राज किया 35 साल, बिल्कुल उनके आलोचक रहे हैं। बिहार की माले जो है उनके हम आलोचक रहे हैं। तो हमको कैसे आप कह सकते हैं, बोलते प्रो कांग्रेस है तो बोले भाई किस तरह से बोलेंगे एक बात तो, और बोलते हैं भी पंजाब की सरकार ने ये आंदोलन खड़ा करवाया है और फंडिंग बोल रहे हैं भी ढंग से। देखिए ना, तो हमें कोई फंडिंग कर रहा है ना, ऐसा कोई बात है। तो अपना एक एक रुपया जोड़कर हम अपना कार्य चला रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर आइए, जो पटियाले के जिले के आसपास के गांव हैं वो सभी लंगर चला रहे हैं, और उनको ने वादा किया जब तक आप आंदोलन चलाएंगे हम ये लंगर चलाएंगे। तो इस तरह का हमें यही दुख है कि जब हमें बदनाम किया जाता है तो हम सोचते हैं भी हमारी परसेप्शन पूरे देश भर में बिगाड़ कर सरकार बदनामी कर हमारे आंदोलन को रोकना चाहती है। तो इसमें लगता है इसमें फिर वार्ता में कुछ शायद निकाल ना पाए। अगर इस तरह की बात को जो है ऐसा मीडिया में प्रचार प्रोपेगंडा करना, देखिए हमने भी तो जब देश के प्रधानमंत्री हैं वो अकेले भाजपा के लोगों के नहीं हैं, देश के प्रधानमंत्री सभी के प्रधानमंत्री होते हैं। सबको जो है अपनी सरकार से मांग रखने का, बात करने का हक होता है। तो हम भी इस देश के नागरिक हैं, देश के किसान मजदूर हैं। जिन हालतों में हम देखिए, जिस तरह से बिहार है, यूपी है, अन्य राज्य हैं जहां MSP और मंडी नहीं है, उनकी फसलें जो आप जो अभी 2100 रुपए के ऊपर धान का रेट था तो हमने पूछा कहां 1400-1300 रुपए में खरीदी होती है। बहुत सी फसलें जैसे हम मूंग का दाम तो इस बार 85 था तो पंजाब में ही 35 रुपए में वो बिक रहा है। तो अगर उचित दाम किसान को नहीं दिया जाएगा तो कभी भी दयनीय हाल से नहीं निकल। दूसरा, अब देश का हम 60% हिस्सा है तो इतने बड़ी तादाद में हम हैं, और खेत मजदूर जोड़ दीजिए तो 80% है, तो देश हम ही से है ना।
अगर देश को बचाना है तो देश को किसान और खेत मजदूर को बचाना पड़ेगा। इसलिए हम आशा करेंगे भी आज की मीटिंग में बहुत कुछ निकल के आने आएगा। मानिए अगर मीटिंग में कुछ नहीं होगा तो वो नहीं मानते, अगला आपका स्टेप क्या होगा? आगे छोड़ जाता भी लगेगा तो आपको क्या कैसे आप? हाँ देखिए, अभी मीटिंग के पहले इस तरह की हम आशा नहीं रखते हैं भी मीटिंग में कुछ निकल के नहीं आएगा। हम पॉजिटिव माइंड से जा रहे हैं, हम भारत सरकार से ये आशा करके जा रहे हैं। जितना बड़ा पूरी दुनिया हमारे ओर देख रही है और हम स्वयं प्रधानमंत्री की ओर देख रहे हैं, तो पूरी दुनिया की निगाह, देश की निगाह आज की मीटिंग में लगी हुई होगी। तो हम इस आशा के साथ जाएंगे कि आज कोई ना कोई मीटिंग का हल निकलेगा। वहीं आज किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और तेजवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज होने वाली बैठक को लेकर आगे की रणनीति पर बात की। सभी सत्कारयोग पत्रकार भाइयों, सभी को सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका इस बात के लिए धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि बहुत सारी कठिनाइयां सहन करते हुए आप इस मोर्चे को कवरिंग दे रहे हो, इसके लिए आपका तय दिल से हम धन्यवाद भी करते हैं और ऋणी भी हैं आपके, क्योंकि जब शेलिंग होती है आप वहां पे, उस समय आपके जवानों के ऊपर भी वो सब होता है। तो जो आज हम पीसी करने का, जो वैसे तो वही बात है जो सरकार की ओर से आज बैठक सरकार के साथ होगी, उसका भी अभी मैसेज आया है कि 5:30 बजे शाम को हमारी बैठक शुरू होगी सरकार के साथ। और हम एक बात आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि देखिए, एक तरफ तो सरकार बातचीत का माहौल बना रही है, बातचीत का कोशिश कर रही है कि बातचीत के माध्यम से इसका मसले का हल किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो हमें दिखने में आ रहा है, आगे जहां पे बैरिकेडिंग हुई है वहां पे पुलिस हो कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस ने अपना काम करना है, लेकिन जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये मिल रही है कि वहां पे कुछ ऐसे हैं जिनके ना नेम प्लेट है, ना उनके जो यूनिफॉर्म होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म है। वो कौन लोग हैं जो वहां पे मतलब आगे तैनात किए हुए हैं, ये मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, कृपया इस बात का भी थोड़ा पड़ताल करने की जरूरत है। सरकार का जो अंदर का रवैया इस चीज से बाहर निकल कर आ रहा है, दिख रहा है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर ये हमारी जरूर कहने का मतलब है कि देखिए, बहुत सारी बैठकें हो गई हैं, जिस बात को सभी लोग सुनना भी चाह रहे हैं, बैठकें बहुत हो गई हैं। सरकार हमें ये कहकर गई थी उस दिन कि हमें संडे का टाइम दीजिए, हम थोड़ा फ्रेम वर्क करके आएंगे, आपको बताएंगे क्या देते हैं, क्या इन तीनों मांगों के ऊपर, जैसे MSP की गारंटी का कानून लेना है, किसानों की कर्ज मुक्ति है, डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट है, WTO से भारत का बाहर आना, भारत बाहर आए या कम से कम एग्रीकल्चर सेक्टर को उससे बाहर निकाला जाए, और आगे जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का जो पहले से बना हुआ, हमारी डिमांड है कि उसी को लागू रखा जाए, जिस तरीके से 2015 में इन्होंने एक मॉडल एक्ट बनाकर एक नया प्रपोजल देकर सरकार ने अलग अलग राज्यों को भेज दिया, और उसके माध्यम से बिल्कुल हमारे किसानों की लूट हो रही है और कॉरपोरेट्स के पक्ष में जा रहा है वो जो इन्होंने मॉडल एक्ट दिया, इन सबको वापस लेने की हमने मांग की है। जो पहले की मांगे कुछ लखीमपुर खीरी के मसले मामले हैं, उनके किसानों के ऊपर पिछले आंदोलन के मुकदमे हैं, बिजली शोध बिल का मामला है कि बिजली शोध बिल वापस लेना है, लेकिन इन कुछ के ऊपर सरकार की कुछ सहमति बनती नजर आ रही थी, लेकिन वो तो आंदोलन के दौरान पैदा हुए समस्या है, वो कोई मांगे नहीं है हमारी। जो आंदोलन आज सरकार उनको ये कहे कि ये हमने तो बहुत सारी मांगे इनकी मान ली हैं, वो इनकी गलत बात है। सो हमारा आज हमारी कोशिश ये होगी कि सरकार, आपके माध्यम से पहले हम सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि टाल मटोल की नीति को छोड़े सरकार। सरकार ये चाहती है कि ऐसे ही मीटिंग पर मीटिंग देते जाएंगे और कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, शायद हम ये कहकर खड़ा छुड़ा लेंगे कि भाई अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये फिर किसान जाने वाले नहीं है। बाद में ये मत कोई कहे, जैसे पहले से ये कहा जा रहा है कि ये आंदोलन तो अदर पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से स्पॉन्सर्ड है, हमारा ऐसा कोई पर्पज नहीं है, हम पूरी तरह नॉन पॉलिटिकल चलकर अपनी बात सरकार के पास ले जाना चाह रहे हैं,
उसी रास्ते पर अब भी चल रहे हैं। सरकार कोड ऑफ कंडक्ट से लगने से पहले हमारी इन मांगों का सोल्यूशन, इन समस्याओं का सोल्यूशन निकाले ताकि हमें और ज्यादा किसानों को भी परेशानी का ना झेलनी पड़े। जैसे देखा आपने, देखा हम तो 13 तारीख को आए, बैरिकेडिंग 8 तारीख के 6 तारीख से शुरू कर दी गई और तब से लेकर लोग कितने परेशान किए जा रहे हैं। ये भी परेशानी दूर हो, सरकार लोगों की समस्या को भी समझे और किसानों के मुद्दों की भी समझते हुए मसलों का हल करे। हमारा इतना ही, हम आगे तेजवीर जी हरियाणा से हैं भाई साहब, ये बात कुछ रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार बंधुओं का कि 13 तारीख से आप विपरीत परिस्थितियों के अंदर हमारे साथ डटे हुए हो। कुछ बातें हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दौरान रह जाती हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 2012 के अंदर खुद उन्होंने देश के किसानों के लिए एमएसपी C2+50 की बात की डिमांड की थी और उसी बात को लेकर हम आगे बढ़ते रहे। हमें भी उम्मीद थी कि 10 साल में वो फिर से एमएसपी C2+50 की बात करेंगे और किसानों को उनका हक दिलवाएंगे। ये बात कहीं ना कहीं छूट रही है, तो मैं पत्रकार बंधुओं से ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने मीटिंगों के अंदर भी ये बात पूरी तरह से बोली है। अब मैं आपको हरियाणा की परिस्थितियों से अवगत कराना चाहता हूं कि आपने देखा है कि हरियाणा के अंदर पूरे बीएसएफ सीआरपीएफ लगाने के बाद, नोटिस निकालने के बाद और घरों पर छापी मारने के बाद पूरा हरियाणा के अंदर अब लहर उठ चुकी है। टटोली के अंदर एक बड़ा धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है, बांस टोल पर हो चुका है, ट्रैक्टर मार्च चल रहे हैं और बड़ी खाप पंचायतों के साथ साथ गांव में पंचायतें शुरू हो चुकी हैं, गांव में धरने प्रदर्शन हो चुके हैं। इतनी दमनकारी नीति और तानाशाह रवैये के बाद हरियाणा का किसान साथ खड़ा है। मगर सरकार ने, आपकी जानकारी के लिए मैं एक बता देता हूं कि जैसे हमें CRAD के बाद जो उन्होंने वो डिवाइस लगाया था उसके बाद हमें पता चला है कि दूसरी तरफ उन्होंने पुराने जले हुए ट्रक गाड़ियां भी खड़ी की हुई हैं और वहां से मीडिया की कहीं आवाज नहीं पहुंच रही है। तो सरकार को हम अवगत करा देना चाहते हैं और देश के किसानों को अवगत करा देना चाहते हैं कि आपके हकों की लड़ाई है और इसके लिए पूरे देश का किसान निकल रहा है सड़कों पर, उत्तर प्रदेश के अंदर किसान पंचायतें कर रहे हैं और पूरे देश का किसान आज की मीटिंग को देखने के बाद निश्चय ही वो पक्के तौर पर सड़कों पर आकर हमारे साथ डटेंगे और वो बॉर्डरों की तरफ कूच करेंगे। अगर किसी साथी का ये सवाल हो कि बात कैसे चल रही है, हमने उनको तथ्यों के साथ हम बात रखते हैं। कल ही रिपोर्टें पेश हुई हैं, जो क्रिसल की रिपोर्ट थी, जो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ लिमिटेड की रिपोर्ट थी, जिसने बिल्कुल पर्दाफाश कर दिया कि जो लाखों करोड़ों की बात होती है एमएसपी के लिए, उसके लिए सिर्फ 21,000 करोड़ रुपए ही चाहिए और वो भी एक समय के लिए, वो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। और रही कर्ज मुक्ति की बात, तो आप जितने भी चुनावी मैनिफेस्टो हैं 2000 से लेकर, चाहे वो किसी 4 से लेकर अब तक के, सब में क्लियर लिखा हुआ था कि हम किसानों को, मजदूरों को कर्जा मुक्त करेंगे। और ये मजदूरों का भी उतना ही मोर्चा है, किसानों का भी उतना ही मोर्चा है और उतना ही मोर्चा है जो देश के आदिवासी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उनका भी बराबर का मोर्चा है, अकेला सिर्फ किसानों का मोर्चा नहीं। धन्यवाद। वहीं दूसरी तरफ किसानों के प्रदर्शन के चलते सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर सड़क ब्लॉक हो जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पिछले 6 दिनों से ये सड़क पूरी तरीके से बंद है, इस कारण यहां लोगों को आने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। टिकरी बॉर्डर से जहां लोग पैदल भी नहीं निकल पा रहे, तो वहीं सिंघू बॉर्डर के पास 5-6 फीट ऊंची दीवार को लोगों को पार करना होता है या फिर कई किलोमीटर घूमकर इस ओर से उस ओर जाना होता है। ऐसे में हर रोज हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में किसान आंदोलन और जोर पकड़ सकता है, क्योंकि आंदोलन में हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी शामिल हो सकते हैं। रविवार को दिल्ली में सरकार के साथ होने वाली बैठक में अगर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला तो हरियाणा के किसान भी आंदोलन में शामिल होंगे। रविवार को प्रस्तावित किसानों की मीटिंग पर दिल्ली और हरियाणा पुलिस की नजर टिकी हुई है। हालांकि आज होने जा रही बैठक में उम्मीद है कि कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा और फिलहाल के प्रस्तावित आंदोलन को टाल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।